एवरीवन, वेलकम टू पढ़ के तो देख पे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्स अप, हाउ आर यू ऑल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं लेकर आ चुकी हूँ 10th क्लास का पहला चैप्टर जिसका लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। द पेस फॉर लिविंग हमारे चैप्टर का नाम है। पेस क्या होता है मैंने बता दिया था, गति यानी कि किस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। और मैंने लास्ट क्लास में एक सवाल भी पूछा था कि तुमको क्या लगता है कि हमारी दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से भाग रही है, हम पीछे छूट रहे हैं, या फिर दुनिया सही भाग रही है, नॉर्मल स्पीड है बट हम लोग कोप अप नहीं कर पा रहे, या फिर हम बराबर बराबर चल रहे हैं। जितनी स्पीड से दुनिया चल रही है उतनी ही स्पीड से हम भी तरक्की कर रहे हैं। क्या मानना है तुम्हारा, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? कि हाँ मैम, हमारा तो यही मानना है कि दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है और हम लोग भी तेज़ी से ही भाग रहे हैं। क्या मानना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में, हम करेंगे आगे की चैप्टर एक्सप्लेनेशन। और हमारी एक छोटी सी क्विज और समरी। सो ये तीन चीजें हैं हमारी जो कि हमें आज की क्लास में पूरी निपटानी है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो ऑथर हमारे हैं आरसी हचिंसन, ठीक है। ये हमारे ऑथर साहब हैं जो कि एक नाटक देख रहे थे, ठीक है, एक नाटक देख रहे थे जिसमें एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, यानी कि मक्का बेचने वाला व्यापारी था जो कि बूढ़ा था। उसका एक भतीजा था जो कि उसको चीट कर रहा था। उसकी बीवी थी जो कि जहाँ भी छुट्टी पर जाती थी मनाने के लिए वहाँ पर 10 पाउंड तो भाई खर्च कर आती ही थी। तो ये ना पेस फॉर लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा था, यानी कि ज़िंदगी के पेस को मैच नहीं कर रहा था। ये थोड़ा स्लो था और ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग रही थी। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। अब लंदन में रात को खाना खाना या फिर न्यूयॉर्क में लंच करना अगले दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सुनने में तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री यानी कि पर्याप्त या फिर बहुत ही संतुष्टि देने वाला एक अनुभव है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। पर मैं इस चीज़ को स्वीकारता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एक एडमिट होता है आज्ञा देना और एक एडमिट होता है मानना, स्वीकार करना। मैं स्वीकार करता हूँ कि निकाल देता है सारे प्लेजर को, सारी खुशी को। अब तुमको पता है कि कल तुमको न्यूयॉर्क जाना है बट तुम रोड ट्रिप के बजाय तुम फ्लाइट से जा रहे हो, मज़ा नहीं आएगा। रोड ट्रिप से अगर तुम दिल्ली से जाओगे कश्मीर, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। और दूसरी चीज़, तुम फ्लाइट कर रहे हो तो फ्लाइट से ना वो रोड ट्रिप का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, वो प्लेजर हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये कॉर्न मर्चेंट सोच रहा है कि हाँ वो प्लेजर ख़त्म हो जाएगा। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन, ये दोनों जगह हैं, आप एक अलग किस्म का ना एक्सपीरियंस लेते हो, अलग तरीके का फन यानी कि मज़ा आता है जब जब आप लोग किसी बस में ट्रैवल करते हो। कंट्री बस यानी कि एक लोकल बस जिसमें पूरी कंट्री घुमाई जाती है, उसमें ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, पर ये ना आपको एक सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा देता है, यानी कि नाटक दिखाता है एक ऊपरी तरीके से। सुपरफिशियल सतही यानी कि ऊपर ऊपर से तुमको दिखेगा कि अरे बहुत अच्छा है, मज़े आ रहे हैं। यहाँ पर ना ये हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि हम लोग जो घूमने जाते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो अपब्रिंगिंग है, जो घूमना पीना खाना सब है, ये सब बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जो नॉर्मल इंसान है, जो स्लो है वो पीछे रह जाता है, It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully.
ये ना एक इस तरीके का जोश है जो कि हमारे पूर्वज हैड टू डू विदाउट, यानी कि इसके बिना ही हमारे पूर्वज जो थे वो ये चीजें करते हुए देखते हुए चले गए, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। और हमको ना इस तेजी को, ये जो बदलता हुआ सब कुछ हो रहा है, हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ग्रेटफुली, यानी कि बहुत ही आभार प्रकट करते हुए खुशी के साथ। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स। अब यहाँ पर हमारा वो जो इंसान है वो कह रहा है नो वेयर स्पीड्स बिकम अनफ्रेंडली टू मी, यानी कि जब स्पीड मुझसे अमित्र हो जाती है, यानी कि मेरा साथ नहीं देती, मेरी दोस्ती स्पीड से अगर खराब हो जाती है, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ टाइम टेंड, यानी कि तब वो पल आता है कि हमारी मेंटल एक्टिविटीज जो है ना वो ढल जाती हैं। तुम्हें एक बात बताओ, तुम नॉर्मल स्पीड से ट्रेन पे जा रहे हो, ट्रेन की स्पीड अब धीरे हुई, बट तुम्हारी दिमाग की सोच की जो स्पीड है वो उतनी ही रही, यानी कि मैच नहीं खा रहा, मेल नहीं खा रहा। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है कि मेंटल एक्टिविटी का जो टाइम है वो ढल जाता है एज दे नेचुरली डू, जैसा कि नेचुरली होता ही है। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, मशीन्स का पेस फॉलो करने के लिए मेरे दिमाग का जो टाइम है वो ढल रहा है, दिमाग की सोचने की शक्ति ढल रही है, स्पीड खराब हो रही है। सारी चीज़ पेस पर ही है यहाँ पर, पेस मतलब गति, कि हमारी लाइफ किस स्पीड से जा रही है आगे और हम उस स्पीड के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। I speak with prejudice, prejudice यानी कि पूर्व धारणा, यानी कि पहले से ही mindset बना रखा है, because I belong to the tribe of slow thinkers, क्योंकि मैं slow thinkers की जाति से हूँ, उनके समूह से हूँ, मैं एक ऐसे ग्रुप को belong करता हूँ जो कि बहुत धीरे सोचते हैं, आराम से तसल्ली से चीज़ें करते हैं। Those who are cursed with, जिनको श्राप दिया गया है, with eye spirit they eye escalates, यानी कि people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. अब मैं ना उन लोगों में से हूँ जो पार्टी ख़त्म होने के बाद बोलता है, अरे यार शाही पनीर ख़राब था यार, उसने बूंदी का रायता नहीं दिया था। वो फूफा जी नहीं होते हैं जो हर शादी के बाद बोलते हैं मज़े नहीं आए शादी में, बिल्कुल मज़े नहीं आए, इट वॉज नॉट फन, मेरे टाइप की शादी नहीं थी, और अच्छी हो सकती थी। मैं उन लोगों जैसा हूँ जो कि बहुत ही विनाशकारी हाजिर जवाबी देते हैं, हमसे कोई बस बोल जाए हम एकदम जुबान लड़ाने को तैयार बैठे रहते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो थिंकर ज़रूर हूँ। आई वन ऑफ दोज हु आर गारंटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं उन लोगों में से हूँ जो कि गारंटेड कम मार्क्स ही लाएंगे किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में, यानी कि जब भी कोई दिमाग का टेस्ट होगा ना भाई, उसमें हमारे तो मार्क्स कम ही आएंगे, मैं उन लोगों में से हूँ। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल दी वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि अब इसका भी ना एक रीज़न है। अच्छा, तुम में से कभी किसी ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिए हैं? आई गेस नहीं दिए होंगे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट ना किस लिए होते हैं कि वो आपके ना दिमाग की स्पीड को चेक कर सकें। एक टाइम लिमिट होती है, एक लंबा सा क्वेश्चनेयर होता है, आपको जल्दी 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 जवाब देना है कि मेंटल एबिलिटी कैसी है, दिमाग के सोचने की स्पीड कैसी है। तो यहाँ पर ये इंसान कह रहा है कि मैं अभी तक जितने भी टेस्ट दे चुका हूँ ना, उसमें क्या होता है, उसमें इंटेलिजेंस मेजर की जाती है, दिमाग की स्पीड को चेक करते हैं, तो मैं तो भाई पक्का हारूंगा इस टेस्ट में, अब एक बात और दिमाग में आई बात करते करते, यार बिहार बोर्ड में, ऐसे मैं किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, खांसी भी आ गई, नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी। तो यार जैसे हमारे CBSE में होती हैं काफ़ी सारी ना स्टोरीज होती हैं,
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी होती हैं कि एक चैप्टर है हमारा इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि बचपन में पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसे एक चैप्टर था। उसके बाद टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ऐसे चैप्टर्स थे। मतलब कुछ मोटिवेशनल हैं, कुछ इंस्पायरिंग हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हैं, फन फिल्ड हैं, कुछ कॉमेडी बेस्ड हैं। बट ये चैप्टर तुम्हें लग रहा होगा कि यार क्यों, क्या इसमें पढ़ना क्या है, पर पढ़ना पड़ेगा। मैं ये चीज़ समझा रही हूँ कि तुमको शायद लगेगा कि यार बाकी बोर्ड्स में तो चैप्टर ऐसे हैं, अच्छे हैं, पर हमारे में क्यों नहीं है। वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं है, बट ये जो चैप्टर है ना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप में से गिन के एक दो बच्चे होंगे जो कि एक्चुअल में रोज़ बैठते हैं, रात को सोचते हैं कि आज मैंने पूरे दिन भर में क्या किया, आज रात को मुझे सोने से पहले कल का स्केड्यूल बनाना है, मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या मैं पीछे तो नहीं रह रहा, क्या मेरा पेस बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। कोई नहीं सोचता, nobody has that time, right? ऐसा टाइम किसी के पास है ही नहीं है ना ऐसा टाइम। तो यहाँ पर ये जो हमारे अंकल हैं, भैया हैं, जो भी हैं, ये हमें यही समझा रहे हैं कि भाई रुक रुक जा, थांबा, थोड़ा सा सब्र कर, पेस फॉर लिविंग को ना अच्छे से मेजर करो कि तुम सही स्पीड पर जा रहे हो ना, ऐसे भाग तो नहीं रहे, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पल ना मिस हो जाते हैं। चलते आगे। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है, मतलब ये तो क्लियर है कि हम जो स्लो थिंकर्स हैं ना वो टेरिबली हैंडीकैप्ड है इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, यानी कि हमें ना काम करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। अब तुम एक बात सोचो, कौन सा एग्जाम्पल दूँ, कोई भी नौकरी ले लो, चाय की दुकान का ठेला, क्या चाय के ठेले पर लगे हुए, चाय की दुकान पर हो, वहाँ पर 10-12 कस्टमर्स आ गए। अब मैं स्लो प्रोसेस हूँ, ऐसे आराम आराम से, ऐसे आराम आराम से चाय का ग्लास ले जाकर दे रही हूँ, इतनी स्लो हूँ तो भाई मुझे दूसरे दिन तो छोड़ो, पहले दिन ही हाफ डे में निकाल देंगे, निकल बेटा, निकल ले पतली गली से, क्योंकि इतनी स्लो चलेगी तो 10-12 कस्टमर आज गए हैं, रोज़ 10-12 कस्टमर भेज देगी तू तो, मतलब 10-12 कस्टमर्स का नुकसान होगा। और ऐसे ही अगर ऑफिस की जॉब है तो बहुत स्लो प्रोसेस हो, सर ने डेडलाइन दिए 10 बजे तक सुबह मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए, और तुम आराम से सो के उठ रहे हो, आराम से काम कर रहे हो, 1-2-3 बज गई, तो स्लो थिंकर जो है ना उनको जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनको लिविंग के लिए बहुत मुश्किल होती है, लिविंग यानी कि जीने के लिए जो पैसे चाहिए। बट वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड As it's used for enjoyment. पर फिलहाल ना मैं ऐसा नहीं सोच रहा कि हमारा जो दिमाग है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, As it's used for enjoyment, जितने enjoyment के लिए है, मतलब author का या फिर जो ये merchant है हमारा, इसका मानना है कि हमारा जो दिमाग है ना इसका use, practical use भी है काफ़ी चीज़ों के लिए, but enjoyment के लिए भी है। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog. Fog यानी कि धुंध जो होता है ना, धुआं धुआं धुंध जो होती है। अब मैं जब सिनेमा जाता हूँ ना, मैं अपने आप को एकदम हताश धुएं में समझता हूँ, धुंध हो गई, जैसे दिमाग नहीं चल रहा है, आसपास एकदम बस अंधेरा अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। And after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. और फिर 2-3 मिनट बाद मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ कि क्या हुआ था, क्या चल क्या रहा है मूवी में। मतलब कुछ लोग ना सुन्न हो जाते, एकदम सुन्न, मतलब मैं बैठी हूँ, बैठे बैठे बोलते बोलते मैं चुप हो गई, ऐसे ऐसे चुप हो गए, बिल्कुल गायब हो गए, कुछ नहीं पता आसपास क्या चल रहा है, कान नहीं चल रहे, दिमाग नहीं चल रहा, 1 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गए। वो इसके साथ होता है और फिर अपनी बीवी की तरफ मुड़ता है। आई विश पोर इज द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। फिर मैं अपनी बीवी को ना फुसफुसाते हुए पूछता हूँ कि बीवी जी, क्या ये वही लड़की है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था सिनेमा के, क्या ये वही लड़की चल रही है। एंड शी विस्पर्स बैक, और फिर वो दोबारा से फुसफुसाती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। अरे नहीं, इस मूवी में 3 लड़कियाँ हैं, अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड मीडियम साइज ब्रूनेट, ब्रूनेट यानी कि वाइट वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर।
कॉल देम ए बी एंड सी, उनको ए बी और सी बुलाओ। बालों की बात हो रही थी, ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड बेटा ये होता है टॉल ब्लॉन्ड, यानी कि लंबे लंबी हाइट वाली ऐसे बाल वाली लड़की, और ब्रुनेट यानी कि एक गोरी औरत बट उसके बाल थोड़े से ऐसे हैं, थोड़े से ब्राउनिश, थोड़े से ब्लैक ब्लैक से, ठीक है, जिसके डार्क ब्राउन हेयर होते हैं, ये डार्क ब्राउन वाले ब्रुनेट और ब्लॉन्ड वो है, ठीक है। तीन लड़कियां हैं, कॉल देम ए बी सी। सिनेमा हॉल में फॉर एग्जांपल यहाँ बैठा है ये अपनी बीवी के साथ, क्योंकि वो एल्डरली वुमन आदमी है, तो ये मान लो बीवी और पति। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। हीरो कौन है? हीरो वो आदमी है जो कि अपनी हैट को उतार कर अंदर आ जाता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी सी ए। अरे भाई, मतलब सीरियल में नहीं होता, तुम लोगों ने कभी कोई सीरियल देखा है? पिछली क्लास में मुझे बच्चों ने सब बताया था कि मैम आजकल ट्रेंड में एक सीरियल चल रहा है अनुपमा, जिसमें एक लेडी है, शी इज़ अ मदर ऑफ थ्री किड्स, उसके भी रिसेंटली शादी हुई है, एंड आई वाज लाइक यार तुम लोगों को पता है मैंने परसों क्या पढ़ाया था? कुछ नहीं पता था अनुपमा में कल क्या हुआ था ये बच्चों को पता था। एंड आई वाज लाइक अरे यार तो वैसे ही यहाँ पर ना हम लोगों को वही वाला पेस सिखाया जा रहा है कि हम लोग कुछ चीज़ों के साथ तो एकदम बढ़ रहे हैं, बट कुछ चीज़ों के बारे में हमको कुछ आता पता नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो लड़का है ये बी सी ए, यानी कि पहले बी लड़की से, फिर सी से, फिर ए से, इन सब से प्यार में पड़ जाएगा, इन दैट ऑर्डर, एंड सो इट प्रूव्स टू बी। और सच में वो इसी तरीके से प्यार में भी पड़ता है, ये उसकी बीवी बता रही है, यानी कि उसकी बीवी स्मार्ट है, पहले से पता चल गया उसको कि अब आगे होने क्या वाला है। अभी अनुपमा वाला एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि बच्चों ने ही मुझे बताया था कि मैम उसके घर का प्रवेश होने वाला है, वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा होगा। मैंने कहा तुमको कैसे पता, दे वाले मैम पता चल जाते सीरियल देख देख के, मैम सीरियल देख देख के ना पता चल जाता है अपने आपको। लाइक अच्छा ओके, अब देखते आज पूछेंगे कि मतलब हुआ ये कि नहीं हुआ, या फिर कल पूछेंगे कि एक्चुअल में लड़ाई वड़ाई हुई कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ इसकी बीवी तुक्का मार रही है कि हाँ ये ना इन लड़कियों से ऐसे ही प्यार करेगा, और ऐसा हुआ भी मूवी में। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। हम लोगों ने ना अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि भाई तुझे तो 110 की रफ्तार से ही भागना है, उससे स्लो भागा तो तू पीछे रह जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हम किसी और गियर में भी जाएंगे तो भी दिमाग उतने अच्छे से ही चलेगा, तो भी दिमाग चलेगा ही। एक गाड़ी में 5 गियर्स होते हैं, पहली दूसरी तीसरी पे चलाओगे तो भी गाड़ी चलेगी, चौथी पांचवी पे भी चलाओगे तो भी गाड़ी चलेगी, चौथी पांचवी पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 1, 2, 3 पे कम चांसेस होते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल स्पीड रखनी चाहिए, ऐसी नहीं कि बस दिमाग फट जाए किसी दिन। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कम्फर्टेबली विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। पर मेरा पॉइंट ये है कि मेरे साथ वाले जो लोग हैं, फेलो पेशेंट्स यानी कि मेरे जैसे रोगी, यानी कि जिनको ये प्रॉब्लम है, उनका दिमाग इतना तेज़ है, वो अपने दिमाग को इतना फास्ट पेस पे रखते हैं कि वो ना कंफर्टेबल कर लेते हैं अपने आप को कि मूवी का कौन सा सीन बदला, अब कौन सा एक्शन आएगा, आगे क्या होगा, वो मूवी में अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर मैं नहीं हो पाता। They think much faster than people did 30 years ago. वो इतना ज़्यादा fast सोचते हैं जितना 30 साल पहले लोग सोचते थे। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. Maybe ऐसा भी है कि high street में, यानी कि एक जगह है वहाँ पर लोग अगर ज़्यादा तेज़ी से नहीं सोचेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलेंगे, तो maybe उनको दोबारा मौका ही ना मिले सोचने का। Do or die वाली सिचुएशन होते हैं ना, मैंने तुमको बोला अभी कि 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, अब एक बच्चे ने सीधा यस 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 लिख दिया और दूसरा सोच रहा है, पूछ रहा है मुझसे कि मैम आप पागल तो नहीं बना रहे, मैम आप झूठ तो नहीं बोल रहे, मैम ये फेक है, मैम ये स्कैम है,
और जो यस वाला बच्चा था उसको मैंने एकदम दे दिए। तो जिसको दे दिए 10 लाख वो फास्ट थिंकर था, उसको मिल गई अपॉर्चुनिटी। जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा था, सोच रहा था, स्लो थिंकर था, वो पीछे रह गया, उसको 10 लाख नहीं मिले। ये चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है कि आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट होना ज़रूरी है ताकि आप लोग ना पेस मैच कर पाए अपने लिविंग का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आ जाते हैं क्विज़ पे। तीसरा लेक्चर और होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर्स निपटा के टाटा बाय बाय कह देंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर में कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल डैश ऑफ ट्रैवल। ऑथर साहब का मानना है कि जब हम लोग क्विक ट्रैवल करते हैं तो वो ना हमारी कुछ चीजों को हटा देता है ट्रैवल में से। कौन सी चीजों को? चले, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? ऑथर किस ट्राइब से है? ऑथर किस ट्राइब से है? आंसर्स देखते हैं। यहां पर आएगा प्लेजर, की प्लेजर कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? प्लेजर ऑफ ट्रैवल, आंसर बी पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? कौन सा ट्राइब? स्लो थिंकर्स। कौन सा ट्राइब? स्लो थिंकर्स। एक होमवर्क दे रही हूँ, मेक श्योर कि आप लोग करें। पहले चीज तो बेटा, टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, पढ़ के तो देख के नाम से, इसी नाम से ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि होमवर्क आप लोगों को इसी में सेंड करना है। नहीं तो इंग्लिश विद राधिका मैम ग्रुप है, उसमें भी भेज सकते हो। होमवर्क क्या है? आपको इस चैप्टर की समरी लिखनी है, जहां तक मैंने पढ़ाया है। आपको इस चैप्टर की समरी लिखनी है जहां तक मैंने पढ़ाया है। टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। आई होप क्लास अच्छी लगी।